बच्चों हो जाइए तैयार। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था बेटा, कोरोना वायरस के चक्कर में सारे कोचिंग और स्कूल्स कॉलेज सब बंद हो गए हैं। ये गोल्डन चांस है अपनी तैयारी आगे बढ़ाते रहने का। आप लोग पूरी वीडियो देखिए और आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप क्लास में बैठ करके पढ़ रहे हैं। हर रोज मैं आगे की वीडियो तुम्हें देता रहूंगा और लिंक शेयर करता रहूंगा। अच्छा, शुरू करने से पहले एक बात और बता दूं, नीचे ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है एचसी वर्मा के चैप्टर 29 के क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक का। इस वीडियो को पूरा देख लो और फिर इसी पर बेस्ड 15 न्यूमेरिकल एचसी वर्मा के सॉल्व कर डालो, इन्हीं पर बेस्ड, तो बड़ा मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले कूलम्स लॉ क्या है बेटा? एवरी चार्ज इन द यूनिवर्स ऑफर्स अ फोर्स ऑन अदर चार्ज। दुनिया में हर चार्ज दूसरे चार्ज पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाता है, वही फोर्स कूलम्स फोर्स कहलाता है। यदि ये दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, यानी कि दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों के दोनों निगेटिव हैं, तो वो रिपेल करेंगे। पुरानी बात है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा नहीं खींच रहा हूं। लेकिन यदि एक प्लस और एक माइनस है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये आप जानते हो। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा स्क्वायर ऑफ सेपरेशन के। यानी बेटा चार्जेस में से किसी का भी मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, और सेपरेशन यानी कि आर बढ़ेगी तो फोर्स कम हो जाएगा। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम के। इन्हें यदि हम कंबाइन करके लिखें तो क्या आता है, एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया, क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब देयर शुड बी अ प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, बेटा मेरे वो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट जो ये ग्रीक अल्फाबेट है, ये ई नहीं है, इट इज एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं बेटा इसे, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट कहलाता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब होता है वैक्यूम से, और वैसे हमारे यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एयर को भी ऑलमोस्ट वैक्यूम माना जाता है। अभी पहली बार आप शायद सुन रहे होंगे यदि एप्सिलॉन नॉट, तो आपको नया सा लगेगा। मेरे बेटा परमिटिविटी के ऊपर एक पूरा लेक्चर अलग से देना पड़ेगा, फिलहाल तो बस आपको यह बता दिया कि हाँ भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू है 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि बेटा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ सेपरेशन के, कंबाइन करके आया कि Q1 Q2 r² के प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यदि एप्सिलॉन नॉट के ऊपर लेक्चर देने बैठ गया तो बेटा पूरा वीडियो आगे बढ़ने की बजाय यही रुक जाएगा। तो मैं एप्सिलॉन नॉट के ऊपर अभी कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूं, सिर्फ ये बता रहा हूं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। एक बात और सुन लो, ये फॉर्मूला सिर्फ तभी लगता है जब चार्जेस एयर या वैक्यूम में रखे हो, यानी कि फ्री स्पेस में रखे हुए हो। यदि चार्जेस को पानी में डुबा दो, दोनों चार्जेस को पानी में डुबा दो, दोनों चार्जेस को लकड़ी में दबा दो, तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा। क्या आएगा वो अभी आने वाले 10 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अंत में जरा सुन लो, मान लो मैं कहता हूं बेटा एक चार्ज है 2 μC और दूसरा चार्ज है 3 mC, mC का मतलब 10^-3, और ये दोनों 1 मीटर की डिस्टेंस पर हैं, तो इनके बीच का फोर्स बताना। तो यही वाला फॉर्मूला लगाओगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखोगे 9×10^9, Q1 की वैल्यू रखोगे 2×10^-6,
2 × 10⁻⁶ Q2 की वैल्यू रखोगे 3 × 10⁻³ अपॉन आर स्क्वायर होगा 1 स्क्वायर। कैलकुलेशन ज्यादा ना करनी पड़े, डिजिट आसान ली है मैंने, मेथड ही तो सीखना है तुम्हें और पहला लेक्चर है तो ध्यान से समझ लो, बेस यहीं से बनेगा। टिपिकल भी करेंगे लेकिन पहले बेस तो बनाया अपना, इजी तो समझे। 10⁻⁶ और -3 हो गई 10⁻⁹ और ये है 10⁻+9 गया। अब रह गया 9 × 2 × 3 तो ये आ गया 54 न्यूटन। अच्छा क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो ये फोर्स रिपल्सिव होगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अच्छा अब मेरी बात सुन, यदि ये चार्ज प्लस होता और ये चार्ज माइनस होता तो फॉर्मूले में क्या करते, पहला चार्ज प्लस रखते दूसरा चार्ज माइनस रखते? ना मेरे बेटा, ना दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड ही रखते। इस फॉर्मूले को लगाते समय ये ध्यान रखना है, यदि नेगेटिव चार्ज भी हो तो माइनस नहीं रखना है कैलकुलेशन में, माइनस नेगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए। तो फिर कई बच्चे कहते हैं सर फर्क ही नहीं पड़ेगा कि एक प्लस है और एक माइनस से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा कैसे नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन पे तो पड़ेगा ना, यदि दोनों प्लस थे तो ये रिपेल कर रहे थे, एक प्लस और एक माइनस है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो हमें बस ये पता चल जाएगा कि ये फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये दोनों के बीच का अट्रैक्शन है। 100 बात की 1 बात, यदि दोनों प्लस हो तो भी प्लस रखना मतलब मैग्नीट्यूड रखना, दोनों माइनस हो तो भी प्लस रखना यानी कि मैग्नीट्यूड रखना चार्जेस के, एक प्लस और एक माइनस हो तो भी दोनों प्लस रखना यानी कि मैग्नीट्यूड रखना। यहां न्यूमेरिकल करते समय फार्मूला लगाते समय कभी भी नेगेटिव चार्ज को माइनस साइन के साथ नहीं रखना, कम से कम फोर वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्मूलों में। चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कुछ क्वांटिटीज स्केलर भी आएंगी जिनमें डायरेक्शन नहीं होती तो उनके रूल अलग है, अभी हम वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो ये जो प्लस और माइनस है साइन वो सिर्फ हमें फोर्स की डायरेक्शन बताएंगे कि भाई अट्रैक्शन वाला फोर्स है या रिपल्जन वाला फोर्स है। तो बेटा ये आप लोगों ने समझा इसके बारे में। अब मैं जरा परमिटिविटी से रिलेटेड एक बात और बताने जा रहा हूं। मेरे बेटा मैंने आपसे कहा कि ये फॉर्मूला तब लगता है जब चार्ज को वैक्यूम में रखा जाए या फिर और मैक्सिमम समझ लो एयर में रखा जाए तो भी लगा देना क्योंकि एयर और वैक्यूम दोनों की परमिटिविटी सेम है। लेकिन यदि चार्जेस को मीडियम में डुबा दिया जाए, मीडियम में रखा जाए यानी कि चार्ज वही है लेकिन उन्हीं दोनों चार्जेस को किसी मीडियम के अंदर उतनी ही डिस्टेंस में बंद कर दिया, पानी में डाल दिया, लकड़ी में डुबा दिया, किसी में भी रख दिया, तो फिर ये फॉर्मूला बदल जाता है। तब ये फॉर्मूला होता है 1/4πε(m) Q1 Q2 / r². क्या फॉर्मूला होता है मेरे बेटा, 1/4πε(m) Q1 Q2 / r², यानी कि बेटा यदि वैक्यूम या एयर है तो एप्सिलॉन नॉट और यदि किसी मीडियम में रखे हुए हैं चार्ज तो एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब सुन मेरी बात, हर मीडियम की परमिटिविटी अलग होती है, एप्सिलॉन एम की वैल्यू हर मीडियम के लिए अलग है। वाटर के लिए एप्सिलॉन एम कुछ और है और मरकरी के लिए एप्सिलॉन एम कुछ और है, हर मीडियम के लिए एप्सिलॉन एम कुछ और है। एयर के लिए जो परमिटिविटी है या वैक्यूम के लिए जो परमिटिविटी है वो तो एक कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है 8.85 × 10⁻¹². यदि आप बेटा 1/4πε₀ की वैल्यू खुद कैलकुलेट करोगे ना, पाई की जगह रख देना 3.14, एप्सिलॉन नॉट को रख देना 8.85 × 10⁻¹², करके देखना अपने आप 9 × 10⁻¹ मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर उसी बात पर जोर दे रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻¹², ये तभी रखा जाएगा यहां जब चार्जेस एयर या वैक्यूम में रखे हुए हैं। मीडियम में जाने पर फोर्स मीडियम में जाने पर ये हो जाता है और एयर या वैक्यूम में रखने पर ये रहता है। तो एफ एम का मतलब फोर्स व्हेन चार्जेस आर प्लेस्ड इन मीडियम और एफ ए का मतलब बेटा व्हेन फोर्स व्हेन चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर। एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट
परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इन दोनों का रेशियो कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो कुछ लोग इसे रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, कुछ लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में एप्सिलॉन आर और के दोनों का यूज होता रहा है। मेरी आदत के बोलने की है तो मैं इसे ज्यादातर के बोलूंगा, आप एप्सिलॉन आर बोल सकते हैं। अच्छा, यदि आप कम शब्दों में समझना चाहो परमिटिविटी है क्या, हमारे साइंटिस्ट ने देखा कि चार्जेस को, उतने ही चार्जेस को उतने ही सेपरेशन में एयर में रखो तो कुछ और फोर्स है, उतने ही चार्जेस को उतने ही सेपरेशन पे पानी में डुबा दो तो कुछ और फोर्स है। तो बेटा अलग अलग मीडियम में अलग अलग फोर्स था, तो हमारे साइंटिस्ट चाहते थे कि कोई ऐसी क्वांटिटी डिफाइन करी जाए। भाई ये जो क्वांटिटीज हैं जमीन में खुदाई में तो निकली नहीं है कि खुदाई करी और उसमें निकला कि भाई परमिटिविटी भी कोई टर्म है। तो हमारे साइंटिस्ट ने कहा कोई चीज तो इन मीडियम की अलग होगी, उस कोई चीज को नाम दे दिया परमिटिविटी। परमिटिविटी, जिस मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है इसका मतलब वहां चार्जेस को रखने पे फोर्स कम लगेंगे। मैंने वही चार्ज एयर में रखे, फोर्स बहुत ज्यादा लगा, वही चार्ज पानी में डुबा दिए, फोर्स कम लगने लगा। तो फोर्स कम लगने लगा का मतलब है परमिटिविटी बढ़ गई। जितना फोर्स कम लगेगा मीडियम में रखने पर उतनी परमिटिविटी ज्यादा होगी। तो यानी हाई परमिटिविटी वाले मीडियम वो होते हैं जिनमें चार्जेस को रखने पर वो एक दूसरे पे कम फोर्स लगाते हैं, और लो परमिटिविटी वाले मीडियम उन्हें कहा जाता है जिनमें चार्जेस को रखने पर वो एक दूसरे पर ज्यादा फोर्स लगाते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था परमिटिविटी के लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड लेक्चर अलग आएगा, तो फिलहाल मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। तो एक बार क्विक रिकैप लो बेटा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन, 1/4/0 इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, चार्जेस एयर में या वैक्यूम में है तो फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला है 1/4/0 q1 q2 r², चार्जेस को मीडियम में रखा हुआ हो तो 1/4/m q1 q2 r², एप्सिलॉन ग्रीक अल्फाबेट है जो स्मॉल सी के बीच में कट लगा के बनाया जाता है, ये स्मॉल सी की तरह से लिखना है। तो ये हमारे पास आ गया फोर्स इन एयर और फोर्स इन मीडियम। अच्छा बेटा परमिटिविटी हर मीडियम की अलग है, यदि आप परमिटिविटी ऑफ मीडियम को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से डिवाइड कर देते हो तो जो मिलता है वो रिलेटिव परमिटिविटी है या फिर उसका नाम मतलब डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। मैं एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट को रखूंगा के, आपकी मर्जी एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट को रख दो एप्सिलॉन आर। अब जरा मैं के की यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस आपको बताता हूं। एक बात बताओ, अभी अभी मैंने आपको बताया एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है। अभी मैंने कहा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर है, हमने डिफाइन कर रखा है। कई बच्चे कहते हैं क्यों, अरे बेटा हम लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने कह दिया कि भाई इनके रेशियो को के कहा करेंगे, कोई और लॉजिक नहीं है, बस इनके रेशियो को के कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो एप्सिलॉन एम किसके बराबर हो जाएगा, तो जवाब है के एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात बताओ, चार्जेस को एयर में रखा था, उतने ही चार्जेस को उतने ही डिस्टेंस पर एयर में रखा था तो फोर्स कितना लगा था, 1/4/0 q1 q2 r², जब आपने उतने ही चार्जेस को उतने ही सेपरेशन पे एयर में रखा तो ये फोर्स था, जब उतने ही चार्जेस को मीडियम में रखा, fm का मतलब फोर्स इन मीडियम, सेपरेशन भी वही, तो फोर्स कितना लगा, 1/4/m q1 q2 r², कितना फोर्स लगा बच्चों, 1/4/m q1 q2 r², लेकिन किंतु परंतु बट एप्सिलॉन एम बराबर है के एप्सिलॉन नॉट के, सोचना क्या मैं इसे एप्सिलॉन एम हटा के एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं। कई बच्चे कहेंगे सर के तो लिखा ही नहीं, हाँ लिख रहा हूं मैं, के को यहां लिखूंगा, जरा केयरफुल होकर के सोचो, कंपटीशन के बारे में सोच रहे हो, बातें कर रहे हो तो इतना तो समझते होंगे। यहां लिखना था एप्सिलॉन एम, जिसे लिख दिया के एप्सिलॉन नॉट, के को बाहर ले लिया, यहां लिख दिया एप्सिलॉन नॉट, तो फोर्स इन मीडियम कितना हो जाएगा,
ये तो फोर्स इन एयर है, तो फोर्स जब मीडियम में निकालोगे तो यहां एप्सिलॉन एम रखना था जिसे मैंने के एप्सिलॉन नॉट रख दिया, लेकिन ये जो फॉर्मूला है 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r² ये तो FA का फॉर्मूला है फोर्स इन एयर या फोर्स इन वैक्यूम का और डिवाइडेड बाय K, तो इस तरह से मुझे फॉर्मूला मिल जाता है फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन K। यदि चार्जेस को मीडियम में रखते हैं तो जो फोर्स होता है एयर में रखने पर फोर्स FA होता है, मीडियम में रखने पर FM होता है, तो ये होता है FA अपॉन K। अब जरा डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की कुछ बात समझो, दो चार्ज एयर में रखे हैं उनके बीच का फोर्स है, उनके बीच का फोर्स है FA, चाहे अट्रैक्शन है या रिपल्सन मुझे उससे मतलब नहीं, यदि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन होगा, प्लस माइनस है तो अट्रैक्शन होगा FA। इन चार्जेस को मैंने एक मीडियम में डुबा दिया, गारंटेड फोर्स कम हो जाएगा। यदि फोर्स आधा रह गया FA/2 तो कह देना K = 2। K = 2 का मतलब है चार्जेस को मीडियम में डालने पर फोर्स 1/2 हो जाएगा। अब मैंने इसे दोनों चार्जेस को किसी और मीडियम में रख दिया, फोर्स हो गया FA/20 फोर्स इन एयर अपॉन 20, तो कह देना कि इस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 20 है। मतलब क्या है, चार्जेस को एयर से मीडियम में ले गए, फोर्स 1/6 रह गया, FA/6 हो गया, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6। चार्जेस को एयर से, मैं एयर और वैक्यूम एक ही मान करके चल रहा हूं क्योंकि नियरली सेम है उनकी परमिटिविटी, यदि चार्जेस को एयर से किसी मीडियम में ले गए फोर्स 1/100 रह गया तो उस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 100। अब जरा खुद जवाब दो वही बैठ के, गारंटेड मुझे पता है मैं सुन नहीं पाऊंगा लेकिन जवाब तो दो। आप ये बताओ, यदि मैं कहता हूं किसी मटेरियल का, किसी मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, क्या मतलब है? इसका मतलब है चार्जेस को यदि वैक्यूम से या एयर से उस मीडियम में ले जाओगे बगैर सेपरेशन बदले तो फोर्स कितने टाइम्स लेस हो जाएगा, क्या बोला था मैंने 80 बोला था डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो फोर्स 1/80 टाइम्स हो जाएगा, FA/80 हो जाएगा, क्या हो जाएगा FA/80। तो एक बार लास्ट बार और बताओ, यदि मेरे पास एक कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 100 है तो चार्जेस को एयर से मीडियम में ले जाओगे तो फोर्स 1/100 टाइम्स रह जाएगा, जितना भी फोर्स था वो उसका 1/100 टाइम्स रह जाएगा। तो ये बातें भी आप समझने लगे कि भाई किस तरह से डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होना इसका मतलब उस मीडियम में चार्जेस फोर्स कम लगाते हैं। अब मेरे बेटा इसको भी समझ लिया, अब मैं आपको बताऊं जो हमारा कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ जो फॉर्मूला है 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r², वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस पर लगता है, पॉइंट चार्जेस पर लगता है या स्फेरिकल बॉडीज, किसी भी शेप की स्फेरिकल बॉडीज पर लगता है, पॉइंट पे भी लग जाएगा स्फीयर पे भी लग जाएगा, लेकिन पॉइंट और स्फीयर को छोड़ करके यदि मैं कहूं कि एक चार्ज रॉड है तो उस पर कूलम्स लॉ नहीं लगेगा, उसके लिए हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं अब आपको कुछ एक न्यूमेरिकल एग्जांपल कराता हूं। अब जरा दो एक एग्जांपल देखो, पहली बात तो मैं आपको बता चुका हूं चार्जेस प्लस हो या माइनस, पहले मैं आसान आसान से एक दो एग्जांपल ले लूं फिर धीरे धीरे मुश्किल करूंगा। यदि 1/+2 coulomb और -3 coulomb 5 meter की डिस्टेंस पर है, फोर्स बताओ, मीडियम यदि आपको ना बताया जाए आप खुद ही मान के चलना कि वो या तो वैक्यूम में है या एयर में है, यानी बिना पूछे 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r² लगाना, जबकि मैं जानता हूं कि ये जो epsilon naught वाला है ये फॉर्मूला सिर्फ वैक्यूम के लिए है मेनली या फिर एयर के लिए, मीडियम में जाकर के ये epsilon m होना था लेकिन जब नहीं देंगे मीडियम तो हम उसे एयर या वैक्यूम ही मानेंगे। फिर बेटा 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू रख देना 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू रख देना 2, Q2 की रख देना 3। देख पहले मैं काफी देर बकवास कर चुका कि माइनस नहीं रखना, साथ में कहा था नहीं कहा था कि माइनस नहीं लेना है, अब और r² यानी कि 5² अब मैं कैलकुलेशन थोड़ी करूंगा, कर लेना
बाद में बता दे रहा है कि भाई ये अट्रैक्शन का फोर्स है, दोनों के दोनों एक प्लस है एक माइनस है, तो अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, रिपल्शन या अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होगा। और यदि दोनों प्लस होते तो फॉर्मूला तो तब भी यही रहता, आंसर भी यही आता, बस फोर्स जो है वो रिपल्शन हो जाता। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर टू, मेरे से कहा गया कि एक जगह से दो आइडेंटिकल स्ट्रिंग लटकी हुई है लेंथ एल की, लेंथ एल की, दोनों पर बराबर चार्ज दिया गया क्यू, जिसके कारण ये रिपेल हो गए, ये एल लेंथ चार्ज क्यू, ये भी एल लेंथ और चार्ज क्यू, ये क्यों दूर भाग गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण रिपल्शन हुआ है इन दोनों में, सेम चार्ज दिया है, मतलब सब कुछ सेम है, सेम लेंथ सेम मास सेम चार्ज, और चार्जेस ने रिपल कर दिया। तो वो पूछ रहे हैं कि बताइए इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये एंगल थीटा वर्टिकल के साथ कितना होगा, चाहे ये एंगल बता दो या ये बता दो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, थीटा कितना होगा, या कुछ भी कह सकते हैं, एल पूछ सकते हैं थीटा दे करके, चार्ज दे के, मास दे के, लेंथ पूछ ले, लेंथ दे के, मास दे के, थीटा दे के, चार्ज पूछ ले, मैं तो तुम्हें फॉर्मूला बना के दे दूंगा, उसमें से कोई सी भी तीन चीजें देके चौथी पूछ लेंगे। एक बात बताओ, डोरी में टेंशन होगी, नीचे की तरफ वेट होगा, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा जिसे मैं एफ ई कह रहा हूं, इन दोनों की सेपरेशन को आर मान लेते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। मैं सिर्फ एक ऐसा फॉर्मूला बना के दूंगा जिसमें कोई सी भी तीन चीजें देकर के चौथी पूछी जाए तो हम बता देंगे। जरा सबसे पहले एक बात बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है तो आर का पता होना जरूरी है भाई, वो होता है ना 1/4π0q1q2/r2, आर तो अभी हमें नहीं पता, तो आर कैसे निकलेगा, यदि ये है R तो आधा है R बाई टू, यहां से आधा, और R बाई टू डिवाइडेड बाई L, R बाई टू डिवाइडेड बाई L है बेटा साइन थीटा, भाई थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपनस, तो R बाई टू डिवाइडेड बाई L इज इक्वल टू साइन थीटा, तो R किसके बराबर आ जाएगा, 2L साइन थीटा, R क्या आ जाएगा मेरे बेटा, 2L sin theta आ गया, 2L sin theta। अब बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है इन दोनों के बीच का, तो जवाब है 1/4π0q1q2/r2। अभी तो मैंने फॉर्मूला लिखा है, q1 यानी इसका चार्ज, q2 यानी कि बेटा इसका चार्ज, लेकिन दोनों का चार्ज सेम है तो बेटर है इसे q स्क्वायर लिख दे। अब r स्क्वायर, r स्क्वायर यानी कि 2l sin थीटा का स्क्वायर, 2l sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल गया, अब जरा मुझे बताइए यदि मैं यहां एक लाइन ड्रॉ, बड़े ध्यान से देखना नहीं तो दोबारा देख लेना रिवाइंड करके, यहां कोई क्लास तो है नहीं कि निकल गया तो पीछे नहीं दे जा सकते, थीटा का अल्टरनेट एंगल थीटा, T के दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर और एक इधर, ये कंपोनेंट है बेटा T cos थीटा और ये कंपोनेंट है T sin थीटा, ये वाला कंपोनेंट T cos थीटा ऊपर T sin थीटा नीचे, जरा सोच समझ के जवाब दीजिए, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। देखो जब आपने पेंडुलम को चार्ज नहीं दिया था तो वो इस तरह से थे, चार्ज देने के बाद रिपेल होकर के रुक गए, यदि ये रुके हुए हैं ये इक्विलिब्रियम में है तो ये आमने सामने के फोर्स बराबर होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टी साइन थीटा के बराबर होगा, टी कॉस थीटा एमजी के बराबर होगा, क्यों, मान लो कोई कहे एमजी टी कॉस थीटा से बड़ा है, अरे यदि एमजी टी कॉस थीटा से बड़ा है तो नीचे क्यों नहीं जा रहा, चले जाना चाहिए था ना, और यदि टी साइन थीटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बड़ा है तो ये अंदर क्यों नहीं आ रहा, ना ये अंदर आ रहा ना बाहर जा रहा ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, ये तो रुका हुआ है, तो रुके होने का मतलब आमने सामने के फोर्स बराबर हैं, तो T sin थीटा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, T sin थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बोर्ड अभी किसका दूंगा, D
टी साइन थीटा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और टी कॉस थीटा है mg के बराबर, टी कॉस थीटा है mg के बराबर। तो मैंने लिख दिया टी साइन थीटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, टी कॉस थीटा mg, दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो टी तो कट गया, टेन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाई mg। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, यहां से रखनी है आर ट्वेल्व साइन थीटा है, क्या रखनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू, तो जवाब है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू वन क्यू टू तो था क्यू स्क्वायर और आर था ट्वेल्व साइन थीटा, तो आर स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा फोर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा। समझ में आ गया, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू वन क्यू टू दोनों सेम है तो क्यू स्क्वायर और 2l sin थीटा का होल स्क्वायर मतलब r का होल स्क्वायर हो जाएगा 4l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा mg 10 थीटा। Q square is equal to 4 pi epsilon naught 4 L square sin square theta mg tan theta। अब क्योंकि मैंने numerical value नहीं दी असली काम को, तुम्हें method सिखाना था तो मैंने numerical value इसलिए नहीं दी कि exam में देख 4 pi epsilon naught तो हमें पता है। कैसे पता है भैया, 1 upon 4 pi epsilon naught आप जानते हो कितना होता है, 9 into 10 is 9, तो फिर 4 pi epsilon naught क्या होगा, तो जवाब है 1 अपॉन 9 इंटू 10 इज़ 9, ये मालूम है 4 मालूम है। अब g भी आपको नोन है, वेरिएबल कौन कौन से रह गए, q l थीटा और मास। अब भैया एग्जाम में या तो q l और थीटा दे करके मास पूछ ले, l थीटा और m दे करके चार्ज पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, फॉर्मूला तो सिखाई दिया, मेथड तो सिखाई दिया। तो ये थी हमारी पहली वीडियो, और यदि आपने पूरी वीडियो अंत तक ढंग से देख ली है, दो बार देख लेना, यदि अभी अभी आपको डाउट आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे लिख के भेजिए, आई विल कॉल यू बैक, आई विल रिप्लाई। और साथ में ये ढंग से आज समझ के कल सुबह उठ के एच सी वर्मा उठाना और उसके 1 से 15 तक के न्यूमेरिकल सॉल्व करना। यदि अटक जाओ तो हिंट मेरे डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है सी वर्मा चैप्टर 29 क्वेश्चन 1 to 15, सिर्फ तुम्हें करना क्या है उस लिंक को प्रेस करना है और सारे सॉल्यूशन आपके सामने होंगे। डेली ये वीडियो आता रहेगा, फिलहाल के लिए बाय बाय।